नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं टोयोटा यारिस क्रॉस के बारे में। दुनिया भर में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट तेजी से मशहूर हो रहा है। जापान की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा मोटर ने भी इस सेगमेंट में अब अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। कंपनी ने इस सेगमेंट में पहले वाहन के तौर पर अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी यारिस क्रॉस को लॉन्च किया है। कंपनी ने फिलहाल इस एसयूवी को यूरोपीय बाजार में पेश किया है। इस एसयूवी में कंपनी ने हाइब्रिड तकनीक का भी प्रयोग किया है। आपको बता दें कि नई कॉम्पैक्ट एसयूवी यारिस क्रॉस कंपनी की मशहूर हैचबैक यारिस पर ही बेस्ड है। वही इसका स्टाइल, डिजाइन और आकार कंपनी के रॉप और एसयूवी से प्रेरित है। इस एसयूवी में कंपनी ने जीएबी चेसिस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया है। इसकी लंबाई की बात करें तो 4180 mm इसकी लंबाई है, 1560 mm इसकी ऊंचाई है और इसमें 2560 mm का व्हील बेस भी दिया गया है। नई यारिस क्रॉस में कंपनी ने 18 इंच का व्हील दिया है। इसके अगले हिस्से और साइड में प्लास्टिक गार्ड भी दिए गए हैं, जो कि इसके एसयूवी लुक को और भी स्पोर्टी बनाते हैं। सबसे खास बात यह है, यह एसयूवी 4-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ उपलब्ध होगी। जो कि इससे पहले भारत में प्रीमियम सेगमेंट की एसयूवी वाहनों में देखने को मिली थी। इस एसयूवी में कंपनी ने 1.4 लीटर की क्षमता का 3-सिलेंडर युक्त पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया है। यह एक हाइब्रिड इंजन है और इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर का भी प्रयोग किया गया है, जो कि 116 HP की अतिरिक्त पावर जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि डीजल इंजन के थर्मल एफिशिएंसी के मुकाबले इसका पावर 40% तक ज़्यादा है। नई यारिस क्रॉस के एक्सटीरियर को बेहतर बनाने के लिए साथ ही कंपनी ने इसके इंटीरियर को भी आकर्षक बना दिया है। इसमें कंपनी ने बड़े मल्टीमीडिया स्क्रीन का प्रयोग किया है। इसमें 2-zone AC 3-spoke स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। फिलहाल इसे यूरोपीय बाजार के लिए ही लॉन्च किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि इसे भारतीय बाजार में भी पेश किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के मार्केट में भी कॉम्पैक्ट एसयूवी वाहनों की मांग काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, टोयोटा यारिस क्रॉस के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।